नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कोई कहानी नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि एक सामाजिक मुद्दे पे बात करने आई हूँ। मुझे ये बातें डिस्टर्ब करती हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या मेरा डिस्टर्ब होना सही है या ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है और मुझे इस पर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं ये देख रही हूँ कि कुछ दिनों से अगर आपका भी ध्यान जा रहा है तो हमारे बहुत सारे जवान जो हैं, जो आर्मी मैन हैं दोस्तों, वो शहीद हो रहे हैं। ये होता रहता है, लेकिन इस बीच कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ आ रही है। और न्यूज़ आने की वजह क्या है दोस्तों, कि हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। हाँ, मीडिया को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो हम तक वो सारी खबरें पहुँचाता है, वो सारी बातें पहुँचाता है जो हम शायद कभी जान ना पाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे कोई बॉलीवुड की खबर हो, चाहे कोई सैनिकों की खबर हो। अच्छा रोल है मीडिया का, लेकिन मेरे बचपन से अगर मैं आज के टाइम पे उसको कंपेयर करूँ तो मीडिया का रोल जो होता है दोस्तों, वो बिल्कुल अलग हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज ऐसा लगता है कि मीडिया हर चीज़ में एक पॉपुलैरिटी पाना चाहती है, एक कंपटीशन हो गया डिफरेंट डिफरेंट मीडिया हाउसेस के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट टीवी चैनल्स के बीच में। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ सारे चैनल वालों से, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पा रही। दोस्तों, दुख कहाँ से हुआ कि एक जवान, एक सैनिक जो बॉर्डर पर बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों के लिए शहीद हो जाता है, हम लोगों के लिए जो आराम से अपनी नौकरियां कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन वो अपना परिवार, अपनी यंग वाइफ, अपना होने वाला बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, आने वाला है, जिसने अभी तक, जिसको ये नहीं पता उसका फादर कौन है, वो जाके वहाँ बॉर्डर पर बैठा हुआ है दोस्तों, और एक ऑर्डर पे बस मूव बोला और उसने अपनी अपने हथियार उठाने और चल देना है हमारी रक्षा के लिए। वो जो गोली खाता है ना दोस्तों, यहाँ खाता है, जो भी खाता है, और उसके बाद जो वो हम बड़े प्यार से कह देते हैं ना कि शहीद हो गया, वो शहीद दोस्तों अपने लिए नहीं हुआ, अपनों को तो वो छोड़ गया, वो शहीद हुआ है हम जैसे लोगों के लिए, ताकि हम पे कोई अटैक ना हो। बहुत इजी होता है, मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए भी सुना है दोस्तों, तो क्या हुआ, अपनी मर्जी से तो जाते हैं आर्मी में, इतना पैसा मिलता है, और अगर शहीद हो भी जाते हैं तो उनके परिवार को बहुत सुविधाएं मिलती हैं। कमाल करते हैं दोस्तों, कमाल है, इतनी प्यारी सोच, इतनी बढ़िया सोच कहाँ से आ जाती है आप लोगों को। दोस्तों, आज जो मैं दुखी हूँ, जो मुझे लगी है बात, वो ये है कि दो शहीद एक साथ अपने घर आए और मीडिया वाले उनके घर में जमावड़ा लगा के बैठ गए, और अलग अलग चैनल माइक लेके वो रोती बिलकती यंग वाइफ्स और माओं से इंटरव्यू ले रहे हैं, और पता है क्या सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। बोलती बंद कर दी इन लोगों ने हमारी दोस्तों, आप खुद सोचिए, आप एक बार इमेजिन कीजिए। मैं जानती हूँ इमेजिन भी करना हम लोगों के लिए कठिन होता है कि हमारे घर में ऐसी कोई घटना हुई है, हमारा कोई बहुत क्लोज चला गया है, और मीडिया वाले आके हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आंसर कर पाएंगे आप। मैं तो सैल्यूट करती हूँ उन माओं को, उन पत्नियों को दोस्तों, की जो इस हालत में भी बात कर रही हैं, अपने दिल का दर्द बता रही हैं। कैसे आप पूछ सकते हैं ये सब, क्या फील हो रहा होगा उसको, फिर भी हिम्मत से उन्होंने जवाब दिया है दोस्तों। तो प्लीज़ अपने चैनल को पॉपुलर करने के लिए, खुद को इतना फेमस करने के लिए, कम से कम इनके घर ना जाएं दोस्तों। इतने मुद्दे हैं, आप डिस्कवरीज दिखाइए, आप पॉलिटिकल इश्यूज दिखाइए, आप ये जो गंदे खेल हो रहे हैं ना हमारे चारों तरफ, इनको दिखाइए। अगर आपके चैनल ने पॉपुलर होना होगा तो अच्छे काम करके भी आप पॉपुलर हो जाएंगे। उसके लिए प्लीज़ किसी दुखी, किसी शौक में आए हुए परिवार का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है ना दोस्तों, हमारा जो हम जो आध्यात्मिक जो हम पूजा पाठ करते हैं, वो भी हमें ऐसे समय पे 11 दिन के लिए शांत होने की आज्ञा देता है। 11 से 12 दिन हम शांति से बैठते हैं दोस्तों, लोग हमसे मिलने आते हैं, कोशिश करते हैं इस टॉपिक पे कोई बातें ना करें, कोशिश करते हैं हमसे अच्छी बातें करें, भगवान की बातें करें, गरुण पुराण की बातें करें, ताकि हमारा ध्यान, जो हमारा मन विचलित है उस समय, वो शांत हो जाए, वो कुछ सोचने की स्थिति में आ जाए,
वो ये सोचे कि जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या करना है। लेकिन आप जा जाकर उन्हें कुरेदते हैं दोस्तों, कुरेदते रहते हैं, और उसके बाद एक आंसर उस जवान उस शहीद की बीवी ने बहुत अच्छा दिया दोस्तों। कहीं पंजाब से थी वो, और उसने बोला तुम्हारा भी क्या है, तुम भी 4 दिन आओगे और चले जाओगे, होना तो कुछ है नहीं। समझ रहे हैं दोस्तों, एक बार फील करके देखिएगा। मुझे बहुत बुरा लगा है, मुझे बहुत बुरा नहीं दोस्तों, मुझे मतलब पता नहीं मुझे क्या फील हुआ इस चीज़ को देख के। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि क्या ये सही है मीडिया का इस तरह से ऐसे समय पे इन लोगों के घर पहुंचना, क्या ये सही है? अगर नहीं तो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप इसी बात को बिना उनके पास गए भी लाइमलाइट में ला सकते हैं। आशा करती हूँ आप मेरी बात को अग्री करेंगे दोस्तों, और नहीं भी करते हैं तो टोटली आपकी मर्जी। फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।